अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे पतिदेव, क्या हुआ? ऐसे रो काहे रहे हो? अरे विदाई के वक्त दुल्हन रोती है, आप काहे रो रहे हैं? अरे आपके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए देखिए, हम आपके लिए शादी का जोड़ा लाए, एकदम ललन टॉप। जल्दी से तैयार हो जाइए, उठिए। मत करवाओ, ये सब कुछ नहीं होगा। हम हर पल 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 मर रहे हैं। तुमने हमें अपने परिवार वालों के सामने भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा माया, ब्लैकमेल करना बंद करो माया। अरे उठाइए, क्या कर रहे हैं, पाप में डालेंगे आप। रोना बंद कीजिए। हाँ देखिए पतिदेव, जो आपका राज हमारे पास है ना, उसे छिपाने के लिए एक के आपको हजार झूठ बोलने पड़ेंगे। हाँ कह देते हैं बस। अगर मगर कुछ नहीं, बिना चूचा किए, बिना ड्रामा किए, जैसा हम करते हैं ना वैसा करते जाइए। एक कुर्ता पहनिए और एकदम टॉप हीरो बन के आ जाइए दूल्हा बनकर। हाँ क्योंकि अगर हमने आपका राज आपके परिवार वालों को बता दिया ना, तो आपका परिवार ऐसे तितर पितर पितर करके बिखर जाएगा, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ये सच किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बस कीजिए, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं ना आप वैसा कीजिए बस। हाँ अच्छा, हाँ हम क्या सोच रहे थे, शादी के साथ साथ ना हम बच्चे का नामकरण का फंक्शन भी कर देते हैं। बड़ी प्रेग्नेंट वाली फीलिंग आ रही है, क्या होगा ना, हमारा शौक भी पूरा आ जाएगा और दुनिया वाले जल मर के राख भी हो जाएंगे और हमें बड़ा मजा आएगा। गुमनाम है अंशुमन जी, हम कब से डॉक्टर ज्योति को फोन करके सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। हो ना हो, माया ने उन्हें ब्लैकमेल किया होगा। अंशुमन जी शांत हो जाइए प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप, देखिए यहाँ पे, शांत हो जाइए। सुमन, मैं दादाजी पर ये ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे घर वाले उन्हें गुनहगार की नजर से देख रहे हैं। ये सब गलत है यार। अंशुमन जी, हम जानते हैं ये सब गलत है, लेकिन सच तो सामने आएगा ही ना, और जिस दिन सच सामने आ गया ना, माया मुंह के बल गिरेगी और फिर दादाजी के ये पूरा परिवार उसके माया जाल से आजाद हो जाएगा। लेकिन अभी शांति से काम लेना होगा, ठीक है? तुम ठीक कह रही हो सुमन, मुझे तो बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस माया के हाथ में ऐसा क्या है जिसके चलते वो दादाजी को इतनी बुरी तरह ब्लैकमेल कर रही है। अंशुमन जी, जो कुछ भी हो हम पता कर लेंगे ना, और जब तक हम दोनों साथ हैं ना, जीत हमारे प्यार और परिवार की होगी, ठीक है? अरे सुनो सुनो घर वालों, कहो जल्दी आओ, क्या हो रहा है सब? आइए 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 आइए, ये है हमारी सहेलिया, और हमारी सहेलिया ये है हमारा नया परिवार, और ये है हमारे पति देव राय बहादुर जी, हमारे मुन्ने के पप्पा। वाह वाह, ऐसा ललन टॉप फंक्शन नामकरण का तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। वो क्या है ना पतिदेव जी, हमने सोचा कि हम एक घर में फंक्शन कर लेते हैं, तो चलिए खुशियां मनाते हैं साथ में, बैठिए। अरे घर में इतना खुशी का माहौल है, फंक्शन है, और मेहमानों की तो अवगत करनी चाहिए ना हमें, क्या हो गया अगर शरबत दिया तो? चलो लेकर आओ, अगर वो नहीं जाएंगी तो तुम जाकर लेकर आओ, है ना? जाओ ना, वो जाएंगी ना हम जाएंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, हम तुम्हारे पति को बोलते हैं सब काम करने के लिए, कैसा लगेगा? सबके सामने से ट्रे लेके घूम रहे होंगे तो, बाकी एज यू विच। कितनी बेशरम औरत है ये। अरे नंदिनी बिटिया रानी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये है हमारी सबसे प्यारी बिटिया पोती नंदिनी रानी। अच्छा चलो, अब इस घर का सबसे बड़ा काम तुम्हें करना है, हमारे होने वाले मुन्ने का या मुन्नी का नाम तुम्हें रखना है, तो लड़का और लड़की दोनों का नाम ढूंढ के रखो। सच्ची दादी, मैं नाम रख सकती हूँ? हाँ तो तू ही रखेगी, और कौन रखेगा? आज की आई जी
अरे दीदी, क्या ये सब? अब तो ये घर घर रहा नहीं, क्यों? ये बन गया है बाजारू लोगों का अय्यासी का अड्डा, तो हम तो यहाँ नहीं रह सकते। देवर जी, हमारे हरिद्वार जाने का इंतजाम करा दीजिए आप, हम वहीं जाके बसेंगे अब। माँ ये क्या बोली, ऐसे कैसे जा सकती है माँ? भाभी, आप इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अरे दीदी, ऐसी मुसीबत की घड़ी में छोड़ के जाएंगी तो हम सबका क्या होगा? कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो हम जाएंगे। बाबूजी, 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 आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी, आप इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते। बाबूजी, आप तो इस घर की नींव है। पानी अब सर से ऊपर चढ़ गया है, जाना पड़ेगा। नहीं बाबूजी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा दादाजी। घर कल भी सबसे पहले आपका था, आज भी आपका है और आगे भी आपका ही रहेगा दादाजी। अरे सही कह रही है, आप इस घर को छोड़ के क्यों जाएंगे पतिदेव? और आप जाएंगे तो हम शादी किससे करेंगे? अरे राय बहादुर जी, कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा, ऐसी गलती मत कीजिए, चुप रहिए, ठीक है? अगर इस घर से कोई जाएगा तो जाएगी की सुमनिया। जबान संभाल कर बात करो माया, वरना। वरना क्या? सुमन की विदाई के लिए हमने पूरा इंतजाम कर दिया है, वो भी चुपचाप नहीं जाएगी, बैंड बाजा बारात के साथ जाएगी हमारी सुमनिया, और बाराती आते ही होंगे। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। हम यहाँ मिसेस सुमन झा को अरेस्ट करने आए हैं। और आप सुमन को किन चार्जेस पर अरेस्ट करने आए इंस्पेक्टर? कोठा चलाने के इल्जाम में। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अगर हिम्मत है ना तो उसके हाथ में हथकड़ी डालिए जिसने ये सारा सारा परपंच रचा है। ये जो माया है ना, उसको डालिए सलाखों के पीछे, हिम्मत है तो। ये जो सुमन है ना, हमारे घर की बहू, ई मनहूस हो सकती है, अब सगुनी हो सकती है, पर कोठा चलाने वाली नहीं हो सकती, बुझे? प्लीज, आप हमारे काम में दखल मत दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप जो हमारी बहू पे इल्जाम लगा रहे हैं उसके खिलाफ सबूत भी है आपके पास? पुख्ता सबूत है हमारे पास। हमने एक कोठे में रेड मारी थी, वहाँ से हमने बहुत सारे कोठे वाली लड़कियों को अरेस्ट किया। सबने अपने बयान में यही बताया है कि ये कोठा सुमन झा चलाती है। और यकीन नहीं आता तो ये देखिए। अब तो हो गया ना यकीन, गिरफ्तार कर लो। नहीं भाई, एक मिनट इंस्पेक्टर, ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है इंस्पेक्टर, ये सब माया का खेल है।